ओम शांति। और अब आप सुनेंगे 8 जुलाई के ईश्वर वरदान के बारे में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम जो सारी शक्तियाँ जो परमात्मा ने हमें ज्ञान के साथ में दी हुई हैं, हमें समझाया कि हमारे अंदर वो सारी 8 शक्तियाँ हैं, जो कि अगर हम इस्तेमाल करें राइट टाइम पर और संपूर्ण तरीके से, तो हर कार्य में हम सफलता पा सकते हैं। तो गुण के साथ में शक्तियाँ बहुत ज़रूरी हैं। अगर गुण हैं तो शक्तियाँ भी यूज़ करनी ज़रूरी हैं। अगर शक्तियाँ हैं तो बिना गुण के उनको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, दोनों साथ में चलते हैं। तो अगर आपके अंदर नम्रता है तभी आप सहन कर पाएंगे, और अगर आपके अंदर धैर्यता है तभी आप सामना भी कर पाएंगे किसी चीज़ का। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं यहाँ पर। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हमारे पास में सर्वशक्तियों रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भवा। सर्वशक्तियाँ बाप का खजाना है और उस खजाने पर बच्चों का अधिकार है, क्योंकि परमात्मा ये सारी शक्तियों को हमें याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर ही सामना करने की, सहन करने की, सहयोग देने की, परखने की शक्ति, जज करने की शक्ति, क्या सही क्या गलत है, और फिर विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ये सारी जो शक्तियां हैं हमारे पास में, टोटल तो 8 हैं मुख्य, लेकिन हैं बहुत सारी। वो सारी शक्तियां परमात्मा हमें रिमाइंड करते हैं कि अरे हमारे मन बुद्धि में इतनी ताकत है लेकिन इसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सर्वशक्तियाँ बाप का खजाना है और उस खजाने पर बच्चों का अधिकार है। आप जितना उसको रिवाइज करोगे, जितना उसको याद करोगे, उतना आप जितना उसको यूज़ करोगे उतना ही बढ़ती जाएंगी। अधिकार वाले को जैसे भी चलाओ वैसे वह चलेगा। ऐसे ही सर्वशक्तियाँ जब अधिकार में होंगी तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। तो चेक करो कि हर शक्ति समय पर काम में आती है, हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति को यूज करो। जब सिचुएशन आती है सामना करना है या सहन करना है, उस समय उसको यूज करो, नहीं तो हमारी खुद की वैल्यू गिर जाती है। आपको अगर किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको बुलाया नहीं, आप रूठ गए, आपकी रिस्पेक्ट करके पहले अपनी नज़र में फिर औरों की नज़र में, इसलिए परमात्मा कहते हैं शक्तियों को राइट टाइम पर जहाँ यूज़ करना उनको यूज़ करो। तो चेक करो कि हर शक्ति समय पर काम में आती है, हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति को यूज़ करो। बहुत काल से शक्तियों रूपी रचना को कार्य में लगाने का अभ्यास हो तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। अगर आपने सहन शक्ति को इस्तेमाल नहीं किया, हर समय आप इरिटेट हो गए, हर समय आप गुस्से में आ गए, तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हो। अगर आपने बोलना नहीं चाहिए था लेकिन आपने बोल दिया, तो आपके पास में सामान्य की शक्ति नहीं है। आप बातों को फैला देते हो, आप लीडर नहीं बन सकते। आप इसकी बुराई उसको, उसकी बुराई उसको बताई और आपकी सारी टीम गई या आपका सारा का सारा स्टाफ गया। तो ये सारी शक्तियाँ हमारे अंदर होनी बहुत ज़रूरत है, और इनको समझने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी में जा करके और गहराई से समझ सकते हैं। इसी के साथ ओम शांति।